लेके खेलते गुलाल लेके खेलते रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते राधा संग होली नंद लाल खेलते बोलो। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल लेडी इन ब्यूटी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ होली हैक्स, होली से रिलेटेड थोड़े से। वैसे तो सबको पता ही होगा ये हैक्स के बारे में, पर जो नए हैं मेरे चैनल पर और जो भी मेरी वीडियो को नए नए देख रहे हो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो चार पांच हैक्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही अच्छे होने वाले हैं और आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आपके हेयर से रिलेटेड, स्किन केयर से रिलेटेड और आपकी बॉडी से रिलेटेड। मैं थोड़े से हैक्स बताने वाली हूँ, तो यार प्लीज वीडियो को पूरी देख लेना ताकि आप इस होली में मतलब आपके हेयर है स्किन है डैमेज होने से बच सकती है मेरे हैक से। तो प्लीज वीडियो को पूरी देख लेना और लास्ट में वीडियो अच्छी लगे ना तो प्लीज एक लाइक करके जरूर जाना ताकि मुझे यार मोटिवेशन मिले। आप एक लाइक करते हो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है कि मेरी वीडियो आप सबको पसंद आती है। तो देर ना करते हुए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ इस वीडियो में होली हैक्स तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, पर जिनको यार होली में मेकअप करना अच्छा लगता है ना उनके लिए मैंने ये मेकअप लुक शेयर किया है। वैसे तो अभी मैंने मतलब फोटो खींचने के लिए ये सब मैंने कलर वलर लगा दिया है, लेकिन इसके पीछे मैंने एकदम सिंपल सा मेकअप आपको बताया है। बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने मेकअप किया है, सिर्फ ऐसा ही लगेगा कि आप ऐसा समझ लो कि नो मेकअप मेकअप लुक आपके साथ मैंने शेयर किया है। तो वो आपने वीडियो नहीं देखी ना तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाला है, तो प्लीज एक बार उसको भी जरूर चेक कर लेना। जो मेकअप लवर है ना उनके लिए मैं ये बोल रही हूँ, जिनको मेकअप पसंद नहीं है उनके लिए मैं आपको आगे हैक्स बता रही हूँ तो आप वो ट्राई कर सकते हो। तो ये मेकअप लुक आप देख लेना और अब मैं आपको दिखाती हूँ होली हैक्स। ओके, तो यहाँ पर पहला हैक्स जो हमारा है वो है कि जब भी यार आपके घर में कोई फंक्शन होता है या कोई हमारे या त्योहार होता है या कोई भी मतलब कुछ भी होना फेस्टिवल वेस्टिवल कुछ भी, तो हमारे दिमाग में पहले एक ही बात आती है कि हम कौन से कपड़े पहनोगे। जो यार मेरी तरह यार कपड़ों से लेकर बहुत सीरियस रहता है ना उनको ये सवाल जरूर 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 आता है। किन किन को आता है ये सवाल प्लीज कमेंट करके जरूर बताना नीचे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम कपड़े की बात करते हैं, तो होली में आप प्लीज कॉटन के कपड़े पहनो क्योंकि पूरा दिन आप धूप में घूमते हो और आपको बहुत ही मतलब गर्मी लगती है। और लाइट कपड़े पहनो, लाइट मतलब व्हाइट नहीं पहना है। यहाँ पर मैंने मेकअप लुक के लिए व्हाइट पहन लिया है तो मैं आपको एक दो ऑप्शन और यहाँ पर फोटो लगा दूंगी तो आप ऐसे कपड़े पहन सकते हो, मेरे पास ऐसे है तो मैं आपको दिखा रही हूँ। व्हाइट कपड़े आप मत पहनो क्योंकि वो थोड़े से भीगने के बाद वो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है यार आपके मतलब समझ लो कि जब कपड़े भीगते हैं तो क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हाँ मैंने आपको वो बता दिया कि आप व्हाइट कपड़े ना पहनो, पर हाँ जिनको व्हाइट कपड़े पहन के ही होली मनानी है ऐसा किसी का शौक होता है, मेरा बहुत शौक है पर मैं होली ज्यादा खेलती नहीं हूँ क्योंकि मैं मेरे हेयर की और स्किन की बहुत ध्यान रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको व्हाइट कपड़े जिसको पहनना है ना उनके लिए हैक्स बता रही हूँ, तो आप क्या करना है मेरे जैसे कपड़े पहनो। मैंने यहाँ पर क्या किया है, अंदर एक ये इनर पहना है ये देखो, और इसके ऊपर मैंने ये टी शर्ट पहनी है जो एकदम ट्रांसपेरेंट है। तो इसमें आपको क्या होगा कि जो आपका इनर है ना वो ये थोड़ा सा मोटा इनर आप देखो ट्रांसपेरेंट नहीं है बिल्कुल भी और ये ट्रांसपेरेंट है, तो इसके अंदर हमने जो इनर पहना है ना वो हमारा काम कर देगा। और हम जब व्हाइट कपड़े भी पहनेंगे ना तो भीगेंगे या कुछ भी करेंगे ना तो हमारे मतलब आप समझ लो तो वो नहीं होने वाला है। ओके, तो आप ऐसे कर सकते हो, अंदर इनर पहनो कोई भी और बाहर आपकी टी शर्ट पहन सकते हो, तो दो लेयर तो आपको करनी है। तो ये हमारा पहला हैक्स था, अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा हैक। ओके, जो हमारा दूसरा हैक्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको क्या करना है, आपकी पूरी बॉडी पर मतलब हम जब भी यार होली की बात आती है ना तो हम हमारी पूरी पूरी बॉडी की और पूरे हेयर की सबकी यार हमें टेंशन रहती है। तो आपको क्या करना है, स्किन के लिए मैं पहले बता देती हूँ। तो स्किन के लिए आपसे सबसे पहले आपकी स्किन में आपको अप्लाई करना है आपकी पूरी बॉडी पर। यहाँ पर आपका ये जो कोकोनट ऑयल है ना वो आपका बेस्ट फ्रेंड होने वाला है इस होली में, इस होली में मतलब कोई भी होली में आपका ये बेस्ट फ्रेंड होने वाला है। तो आपको क्या करना है, पूरे
बॉडी पर, जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ ना, वैसे ही आपको पूरी बॉडी पर अप्लाई करना है, हैंड पर, पैर पर, मुंह पर। जिनको मेकअप नहीं करना है ना, उनके लिए मैं बता रही हूँ, तो आपको पूरे फेस पर भी कोकोनट ऑयल की 2-3 बूंद लेकर पूरे फेस पर भी अप्लाई कर लो, जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ। और ये आपका बेस्ट फ्रेंड होने वाला है। इससे क्या होगा, जो कलर्स होंगे ना, वो आपको डायरेक्ट आपकी स्किन में नहीं जाएंगे, और आपकी स्किन के ऊपर ये ऑयल की लेयर होगी, तो उससे आपकी स्किन भी बहुत प्रोटेक्ट रहेगी। ओके, तो ये बात जरूर यार ध्यान रखना, कोकोनट ऑयल प्लीज अप्लाई कर लेना, ये बहुत ही अच्छा आपकी स्किन को, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर। अब मैं आपको बताती हूँ तीसरा हैक, तो आपको क्या करना है, आपके हेयर के लिए मैं हैक्स बता रही हूँ ये वाला। तो आपके हेयर, आपके कलर, यार कलर लगने से हमारे हेयर इतने डैमेज होते हैं, क्योंकि आजकल के जो कलर है ना, वो बहुत ही केमिकल वाले आते हैं। तो आपको क्या करना है, आपके हेयर में, जैसे मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ, आपके हेयर में आपको अप्लाई करना है एलोवेरा जेल एंड कोकोनट ऑयल। आपको एलोवेरा जेल 2 टेबल स्पून लेनी है, और उसके अंदर 1 टेबल स्पून आपको डालना है ये कोकोनट ऑयल। उससे क्या होगा, आपके हेयर प्रोटेक्ट रहेंगे, और एलोवेरा जेल आपको पता ही है कि ये हीट का भी, मतलब हीट प्रोटेक्शन का भी काम करता है, तो ये केमिकल प्रोटेक्शन का भी काम करेगा। तो प्लीज ये बात जरूर ध्यान रखना कि जब भी आप होली खेलने जा रहे हो ना, उससे पहले प्लीज आपके हेयर में एलोवेरा जेल एंड कोकोनट ऑयल अप्लाई कर लेना। आप चाहें, आपको मतलब ऐसा है कि हमारे हेयर खुले रखने हैं और मुझे जाना है होली खेलने के लिए, तो प्लीज ये बात जरूर ध्यान रखना कि आप पहले एलोवेरा जेल अप्लाई कर लो, और उसके अंदर आप ज्यादा नहीं डालना चाहते ना कोकोनट ऑयल, तो आप थोड़ा सा, मतलब 4-5 बूंद कोकोनट ऑयल की डाल दो। उससे क्या होगा, आपके हेयर प्रोटेक्ट रहेंगे, और आप जब होली खेल के आओगे तब आपके हेयर वॉश करोगे तो भी आपको आपके हेयर बहुत ही अच्छे लगने वाले हो। ओके, तो यहाँ पर आपको ये हैक्स जरूर फॉलो करना है। तो अब मैं बताती हूँ चौथा हैक, तो आपको क्या करना है, आपके यार पूरे फेस पर रंग तो लगा दिया आपने, होली तो खेल दिया, पर अब उसे निकालोगे कैसे, तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको ठंडे पानी से आपके पूरे फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है, उसके बाद आपके फेस पर आपको अप्लाई करना है एलोवेरा जेल एंड कोकोनट ऑयल। अगेन आपको फेस पर यही अप्लाई करना है। इससे क्या होगा, जो कोकोनट ऑयल है वो आपने मेकअप अप्लाई किया है, जिसको मेकअप पसंद उन्होंने मेकअप अप्लाई किया है तो उसका मेकअप रिमूव हो जाएगा, और एलोवेरा जेल हमने जो डाला है उससे आपके फेस पर जो भी केमिकल्स से रैशेस हो गए होंगे या तो कोई भी प्रॉब्लम होगी, वो एलोवेरा जेल से दूर हो जाएगी। तो अच्छे से आपको आपके पूरे फेस पर मसाज देना है, हल्के हाथ से मसाज देना है। यहाँ पर मैंने स्पीड की हुई है मेरी वीडियो की, बाकी मैं एकदम हल्के हाथ से कर रही थी, क्योंकि जो हमारे कलर्स है ना उसमें बहुत ही केमिकल होता है, और वो केमिकल हम जब हमारे फेस पर रगड़ेंगे तो वो हमारे फेस का बहुत ही बुरा हाल करने वाला है। और एक बात कि इसे अप्लाई करने के बाद आप पहले टिश्यू से पोंछ लो, जैसे मैं पोंछ रही हूँ, आपको डायरेक्ट फेस वॉश नहीं करना है। इससे क्या होगा, जो आपका ऑयल है ना वो टिश्यू पेपर में आ जाएगा, और आपका जो भी मेकअप है वो टिश्यू में आ जाएगा। उसके बाद आप फेस वॉश कर लेना, कोई भी आपका फेस वॉश, फेवरेट फेस वॉश है उससे आप आपका फेस वॉश कर लो, और फेस वॉश करने के बाद आपको अप्लाई करना है कोई भी टोनर। अगेन मैं यहाँ पर वही टोनर अप्लाई कर रही हूँ जो मैंने मेकअप लुक में अप्लाई किया था। इसमें मैंने एलोवेरा जेल, ग्लिसरीन एंड लेमन एसेंशियल ऑयल और रोज़ वाटर 3-4 इंग्रेडिएंट्स डाल के मैंने ये टोनर बनाया हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ पांचवा हैक्स, तो यहाँ पर जो हमारा पांचवा हैक्स है उसमें मैं आपको हेयर से रिलेटेड बता रही हूँ। तो आपको पहले क्या करना है, आपके हेयर में जो भी कलर्स लगे हुए हैं उसे रिमूव कर लेना है, बिल्कुल भी झाड़ झाड़ के उसको निकाल देना है, झटक झटक के, झाड़ झाड़ के तो नहीं, झटक के आपको पूरा जो आपका कलर लगा हुआ है ना आपके हेयर में वो झटक लेना है। उसके बाद आपको आपके हेयर को वॉश कर लेना है। हमने पहले ही ऑलरेडी हमने हमारे हेयर में एलोवेरा जेल एंड कोकोनट ऑयल अप्लाई किया हुआ था, तो हमारे हेयर बिल्कुल भी डैमेज नहीं होने वाले हैं। आप कोई भी शैम्पू लेकर आपके पूरे हेयर को अच्छे से वॉश कर लो, और आपके जो भी हेयर पहले थे होली खेलने से पहले, वही हेयर आपको मिलने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी साइन वैसे की वैसी है, मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया, सिर्फ मैंने शैम्पू से मेरा हेयर वॉश किया। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको नेक्स्ट हैक बता रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा हैक होने वाला है। आपको आपके नेल, जो भी यार अपने नेल से अच्छे से मतलब प्यार करता है बहुत ही, उनके लिए ये हैक है। तो आपको क्या करना है, होली खेलने से
पहले आपके नेल पर कोई भी डार्क नेल पॉलिश अप्लाई करनी है। मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर की अप्लाई की। आप कोई भी ग्रीन, रेड, कोई भी जो डार्क कलर है ना वो अप्लाई कर लो, उससे आपके नेल में कलर नहीं जाएगा। तो गाइज यही थी मेरी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और नए हो चैनल पर तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर हिट कर देना, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ ना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कई लोग क्या करते हैं, मेरी वीडियो देखते तो है पर कमेंट नहीं करते। यार आप कमेंट करो, प्यारे प्यारे कमेंट करोगे तभी तो हमें पता चलेगा कि आप हमारी वीडियो देखते हो और हमें बहुत सारा इतना सारा प्यार देते हो। कई लोग मेरी वीडियो देखते हैं पर कमेंट नहीं करते, तो प्लीज यार कमेंट करो, मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट करना। और आप जो पूछते हो उसका रिप्लाई देना, तो प्लीज यार कमेंट करना है इस वीडियो में। और प्लीज मुझे जरूर बताना कि आपको कौन सा हैक्स अच्छा लगा। मैंने इसमें सभी ब्यूटी से रिलेटेड हैक बताए, मतलब आपके स्किन केयर से, हेयर केयर से और आपके बॉडी केयर से ही रिलेटेड वीडियो बनाई है हैक्स की। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना। अब मैं मिलती हूँ एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैप्पी होली टू ऑल माई फ्रेंड्स, हैप्पी होली टू ऑल माई फ्रेंड्स एंड माई फैमिली एंड माई यूट्यूब फैमिली। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। हैप्पी होली।